स्वागत है आपका मीनाक्षी के किचन में। तो आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। तो ये ले लिया है मैंने, मैं 2 कटोरी आटा ले लूंगी। देखिए मैंने इस नाप से लिया, फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से बना लें। इसमें 3 से 4 रोटियां अच्छे से बन जाएंगी। तो चलते हैं आगे। तो ये ले लिया मैंने थोड़ा पानी, इसको गर्म पानी से भूनेंगे इसका आटा। तो मैं इसका पानी गर्म कर लूंगी, बस इतना कर लें कि आपके हाथ को गर्म लगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बस थोड़ा गर्म लग रहा है मेरे को। थोड़ा पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लूंगी मैं, इसको पतला ना करें बिल्कुल, थोड़ा टाइट भूनेंगे हम इसको। ये मक्का के आटे की रोटी जैसे बनती है ऐसी बनती है। इसको सारे आटे को उस तरह लगा लें, बस इतना करेंगे बन जाए। बाद में जो भी रोटी बनेगी उसका साथ के साथ ही आटा हम मच लेंगे। यूपी में मक्का की रोटी ज्यादा खाई जाती है और दिल्ली और हरियाणा में बाजरे की रोटी ज्यादा खाई जाती है। तो देखिए ये हो गया, तो मैं इसको अलग कर लूंगी। देखिए ऐसे इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब मैं तवा रख लूंगी और उसको गैस को ऑन कर दूंगी, तवा गर्म कर लेंगे। ये देखिए मैंने 1 रोटी किलो ले लिया और अब इसको अच्छे से मच लेंगे ऐसे करते हुए। इसको जब तक मच लेंगे जब तक ये चिकना ना हो जाए। इसकी अच्छे से कटाई करें। हाथों को थोड़ा गीला कर लें बस, इसको इस तरह से गोल करते हुए किनारे दबाते हुए इसके किनारे दबाएंगे ऐसे, उनको पतला करते जाएंगे। बस ध्यान रखें आटा पुराना ना हो, ताजा आटा ले। देखिए मैंने इसको कितना पतला बना लिया है, ये देखिए कितनी पतली बनी है ये। तो तवा गर्म हो चुका है और हम तवे पे लगा देंगे थोड़ा सा घी। तवे पे घी लगाने के बाद इसको हम ये देखिए इतनी देर में मैं दूसरी रोटी को आटा मच लूंगी। इसको चेक कर ले, ये हो गई है।
देखिए ये हो चुकी एक तरफ से, तो मैंने दूसरी लोई तैयार कर ली है साथ के साथ। हाथों को गीला कर लें पानी से। तो इसी तरह किनारे दबाते हुए दूसरी रोटी कर लें। और ये हो गई है शायद, ये देखिए इसको मैं एक बार और इधर से पका लूंगी। अब इसको सेकेंगे आराम से चारों तरफ घुमाते हुए। इतना ही हो रही है, मैं अपनी ये रोटी तवे पर डाल दूंगी तो ये भी साथ के साथ हो जाएगी। तो देखिए इसको इस तरह से सेक लें। तो तैयार हो गई ये रोटी, इसको मैं इसमें रखूंगी। अपनी दूसरी रोटी की चेक कर लेंगे, ये भी हो गई अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये तैयार है बाजरे की रोटी, आप इसको खाएं आलू गाजर मटर की सब्जी के साथ और साथ में बथुआ का रायता। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया लग रही है ये, आप बाजरे की रोटी को कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं। तो सिंपल देसी खाना, तो चलते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। और बाजरे की रोटी को साग के साथ भी खा सकते हैं, इसका सबके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सूखी सब्जी के साथ भी आप इसको अच्छे से खा सकते हैं। तो आज मैं इसको खाऊंगी आलू गाजर मटर की सब्जी के साथ और रायता, बथुए का रायता। तो चलते हैं आगे। वैसे तो ये घर के मक्खन के साथ अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरे पास ये बटर रखा था तो मैं इसी के साथ खा लगा के खाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।